हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। भाई, अपने शो को बचाने के लिए मेकर्स हर खेल खेलता है, फिर चाहे इससे फैंस के ना जाने क्या सिचुएशन हो जाए। ऐसे में उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्हें फैंस के अकॉर्डिंग स्टोरी दिखाने का। ऐसे में जिस प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने भी फैंस के अकॉर्डिंग स्टोरी दिखाने की कोशिश की है, ज़्यादातर शो डूबे ही हैं। ऐसे में ना तो टीआरपी निकल कर आती है और फैंस सिर्फ डिमांड करते हैं कि अच्छा दिखाइए, अच्छा। अगर अच्छा ही दिखाएंगे तो फिर सीरियल देखेगा कौन? जितने तिड़कम होंगे, जितने ड्रामे होंगे, जितना रोना धोना होगा, जितना ब्लेम किया जाएगा, जितनी परेशानी दिखाई जाएगी, उतनी ही तो जो है शो की टीआरपी निकल कर आएगी। ये कहावत झूठी नहीं है, ये हकीकत है। स्पेशल छोटे पर्दे पर तो ऐसा कई बार देखा गया है, यह हम देख रहे हैं। ऐसे में अगर स्टार प्लस की बात करें तो काफ़ी शो का टाइम पीरियड पूरा हो रहा है अगस्त के महीने में, तो ऐसे में उनमें से कौन सा शो आपको लगता है सेफ होगा या फिर अनसेफ? जैसे मैंने आपसे कहा, एक बार की टीआरपी से ना तो कोई शो सेफ होता है और ना ही कोई अनसेफ होता है। चैनल्स प्रोडक्शन को एक टाइम पीरियड देता है उनके शो के लिए, वो चाहे 1 मंथ का हो, 3 मंथ का हो, 6 मंथ का हो। पहले तो 9 मंथ का होता था, फिर उसके बाद 6 मंथ का शुरू कर दिया, अब 3 मंथ का करते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि आजकल टीआरपी नहीं आती है, बहुत ही बेकार टीआरपी आने लगी है, तो वैसे वैसे टाइम पीरियड भी कम होता जा रहा है। तो 3 मंथ तो जो है न्यू शो को कम से कम मिलता ही है कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर जितनी टीआरपी मांगी है 3 मंथ तक आप नहीं दे पाते हैं, तो फिर आपके शो को कुछ भी करेंगे। वो डिपेंड करता है कि हमें आपसे मीटिंग करेंगे, सिचुएशन क्या होगी। हो सकता है एक्सटेंशन दे दें, हो सकता है स्लॉट चेंज दे दें, हो सकता है आपको लास्ट शूट का ऑफर भी कर दें। तो यही होता है छोटे पर्दे के पीछे की कहानियां, जो प्रोड्यूसर और चैनल के बीच में रिश्ते होते हैं। ऐसे में अगर एक बार शो स्लॉट किंग बन जाता है तो लोग कूदने लगते हैं, फैंस कूदने लगते हैं, जो है बहुत ज़्यादा जो है खुश हो जाते हैं। तो मैंने कई बार कहा है, स्लॉट किंग इज़ नॉट मैटर, जो है चैनल्स डिपेंड करता है कि आपसे रेटिंग कितना मांगा है। कई शो ऐसे देखे जाते हैं स्लॉट किंग होते हैं लेकिन वो ऑफ एयर कर जाते हैं। कई शो ऐसे देखे जाते हैं कि इसी हफ्ते तो यार टीआरपी बढ़ाई है और इसी हफ्ते ये लोग इसकी जो है ऑफ एयर की बात कर दी है, इन्होंने इसे लास्ट शूट का दे दिया, यार ये तो गलत है, इस बार तो इन्होंने टीआरपी बढ़ाई है। तो डियर, जितनी टीआरपी मांगी है उस वक्त आपने उतनी नहीं दी है, इसीलिए जो है। और कई बार होता है कोई फेस्टिवल आ जाता है, कोई आईपीएल वगैरह मैच वगैरह आ जाता है, तो इसकी वजह से और ज़्यादा एक्सटेंशन मिल जाता है कि चलिए अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, हमें पता है इन दिनों जो है क्रेज़ जो है किसी और चीज़ का हो रहा है। तो ये होता है शो को लंबा टाइम मिल जाना। लेकिन अगर हम बात करें कि अगस्त के महीने में कौन से शो होंगे सेफ और कौन से शो की खतरे की घंटियों पर आए हुए हैं, उसकी हमने लिस्ट आपको दे दी है और लाइव में भी हम बताते रहते हैं कौन से शो खतरे में है। तो ऐसे में अगस्त के महीने में कई शो पे जो है चैनल की नज़र घूमने वाली है, जिनका टाइम पीरियड पूरा हो रहा है। फिर चाहे आपका गुम हो, माटी से बंधी डोर हो, ये हैं चाहते हो, या दिल को तुम पर प्यार है, तो इनके जो है काफ़ी क्रेज़ में बने हुए हैं। अब इनमें से कौन सा शो जो है अपना टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उन्हें टीआरपी दे देगा या कौन सा नहीं देगा, ऐसे में उम्मीद जो है जो सेफ शो होने की है वो है आपका गुम है किसी के प्यार में। मैरिज ट्रैक पे इसीलिए रेखा जी को लाया जा रहा है और मैरिज ट्रैक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए वो अपनी टीआरपी संभाल लेगा। बाकी शो पे कोई खतरा है ही नहीं। सोशल मीडिया में न्यूज़ वायरल हो रही है शो खतरे में है, शो ऑफ ईयर होने वाला है। तो मैं आपको बता दूँ, शो पे कोई खतरा नहीं है, टीआरपी डिमांड हर शो से हुई भी है। फिर चाहे ये रिश्ता हो, अनुपमा हो, जाना को उड़ने की आशा हो, अगर उड़ने की आशा ने अपनी टीआरपी पूरी करके दिखाई है, जितनी मांगी है चैनल ने, उससे 1 पॉइंट ऊपर गया है, तो उन्होंने खुश हुए हैं, उन्होंने सेलिब्रेशन किया है। इससे पहले भी उनका शो टॉप 5 में बना रहा था, ऐसी बात नहीं है, इससे पहले भी जो है वो टीआरपी दे ही रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने वो पूरा किया है जो चैनल ने बोला है। तो चैनल्स ने जितना बोला है
उतना ना हो पाए, एक पॉइंट कम हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चैनल डिमांड हर से करता है, ऐसा नहीं है कि आपके बस एक ही शो से किया है, हर शो से करता है वो। एट दिस टाइम आप आएंगे अनुपमा नंबर वन है तो क्या उससे डिमांड नहीं होगी, उससे भी डिमांड होगी। तो इसी तरह गुम से भी डिमांड है, गुम अपनी टीआरपी पूरी कर जाता है। और कई बार होता है कि राजन साई ने खुद अपने इंटरव्यू में बोला है हमारे शो पे कई बार खतरा आया है, लेकिन हर बार खतरा टल जाता है और टीआरपी और अच्छी निकल कर देता है। तो वही होता है, तो इसीलिए उस शो को आप ये नहीं कहेंगे ये ऑफ ईयर होने वाला है। जिन शो पे खतरा है जैसे माटी से बंधी डोर, दिल को तुम पर प्यार आया, या फिर ये है चाहते, इन में से कौन सा शो होगा सेफ? तो डियर अगर गूगल की माने तो माटी से बंधी डोर को सेफ बताया जा रहा है, कहा जा रहा है अगला नंबर अगर कोई बुरी खबर पे ला सकता है तो वो शायद दिल को तुम पर प्यार आया। आप कहेंगे नहीं मैम उसने तो एक पॉइंट बढ़ाया है, दो पॉइंट बढ़ाए हैं इस हफ्ते। डियर मानते हैं, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको क्या समझाया है कि जो टीआरपी की डिमांड है वो पूरी करनी है, ठीक है। तो ऐसे में जो है आपको कौन सा शो लगता है कि पक्का वो सेफ हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।